ये साइड देखिए आप लोग, यहाँ पर देखिए कितनी अच्छी सड़क बनाई गई है, पार्क बनाए गए हैं, एंट्री गेट कितना खूबसूरत दिया गया है, चारों तरफ से बाउंड्री वाला आपको दिखाई पड़ेगी। पार्क बनाए हुए हैं, ये एंट्री गेट के बगल में छोटा सा पार्क बनाया गया है। सारी यहाँ पर आरसीसी सड़कें बनी हैं, बेंचेज लगी हुई हैं, पार्क हैं, रोड है, आरसीसी रोड है, बिजली है, नाली है, सारा कुछ यहाँ पर बना हुआ है। यह देखिए इसका एंट्री गेट शानदार, और यहाँ की ये मेन रोड की इसकी एंट्री देखिए लोकेशन, यह मेन डामर रोड से लगी हुई साइट है। एक यह रास्ता जाता है मोहनलालगंज की तरफ, यह सामने साइट है और मेन डामर रोड से लगी हुई ये साइट है। एंट्री गेट काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर बनाया गया है, जिनकी भी ये साइट है उनके द्वारा। इनका काम देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ, और इनका काम करने का तरीका, इनका साइट डेवलप करने का तरीका, साइट को बेचने का तरीका, कस्टमर के साथ क्या डीलिंग रहती है इनकी, उसको देख करके मैं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा। तो इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और इनकी साइट मैं आपको पहले दिखाता हूँ, आप देखिए पहले, फिर आगे की बात हम करेंगे। यह एक इनकी साइट है जिसमें लगभग सोल्ड आउट है, या पूरी साइट सोल्ड आउट है। यहाँ पर इन्होंने प्लॉट काटे हैं 40 की गहराई में और 50 की गहराई में। सारी सड़कें इन्होंने बना दी हैं, डिवाइडर बने हुए हैं, देख सकते हैं नालियाँ बनी हुई हैं, गमले लगे हुए हैं, हर प्लॉट के सामने गमले, छोटे गमले रखे हुए हैं, बड़े गमले लगे हैं जिनमें पेड़ भी लगाए गए हैं। ग्रीनरी का पूरा यहाँ ध्यान रखा गया है। दाहिने तरफ आप देख सकते हैं मकान बन रहे हैं, बाईं तरफ ये बड़ा सा पार्क दिया हुआ है। यह एक बड़ा सा पार्क है, पूरी सोसाइटी में आप देखेंगे चारों तरफ से बाउंड्री वाल करके ये पैक किया गया है। गेटेड कॉलोनी है, चारों तरफ से बाउंड्री की गई है। कोई भी प्लॉट इनका ऐसा नहीं है जिसके सामने रोड न बनी हो या बिजली की व्यवस्था ना हो। जो दूरी मानक के हिसाब से होती है, उतनी उतनी दूरी पर सब कहीं पर खंभे इनके द्वारा लगाए गए हैं, प्लांटेशन बाकायदा किया गया है, नाली पूरे में बनाई गई है, डिवाइडर पूरे में बना है, पूरी कॉलोनी इनकी गेटेड है। और यह सब काम इन्होंने प्लॉट बेचने से पहले किया है। यह सारा काम करके जब इन्होंने फिनिश किया है, उसके बाद में यहाँ पर प्लॉट बेचना स्टार्ट किया है। यहाँ पर देख सकते हैं मकान एक सामने भी बन रहा है। यह इनकी दूसरी साइट है जहाँ पर अभी काम चल रहा है, देख सकते हैं यह दूसरी साइट है इनकी। यहाँ पर भी बाउंड्री वाल प्रॉपर कर दी गई है, जो इनकी बाउंड्री है जहाँ से इनकी साइट जहाँ जहाँ तक है, या जहाँ तक इनकी ज़मीनें हैं, पहले इन्होंने अपनी बाउंड्री की है पूरे में। उसके बाद में प्लांटेशन का काम हो रहा है और रोड का काम हो रहा है। अगर आप देखेंगे मौके पर, यह चारों तरफ से बाउंड्री इन्होंने कर दी है, आरसीसी रोड का काम यहाँ पर चल रहा है, प्लांटेशन किया जा चुका है, नाली या तो बन गई है या कहीं पर बन रही है। यह इनके काम करने का तरीका है, बेचने पर इनका बिल्कुल जोर नहीं है। देखिए यहाँ पर पूरा ये 40 फीट का रोड दिया गया है, आरसीसी रोड है, पूरा बन गया है। जो मटेरियल ये यूज कर रहे थे, जो काम कर रहे थे, वह मटेरियल भी मैंने इनका चेक किया और देखा, वह मटेरियल और इनका जो काम की क्वालिटी थी वह सब भी काफ़ी अच्छा था। कोई ऐसा काम मुझे नहीं दिखाई पड़ा जो काम चलाऊ टाइप का हो, कि हाँ बस प्लॉट बेचना है और कस्टमर को चमक दमक दिखाना है और उसके बाद में निकल जाना है। कोई भी इस तरीके का काम मुझे इनके यहाँ नहीं देखने को मिला। यह साइट मैंने विजिट की, दो साइटें इनकी मैंने विजिट की। इन्होंने मुझे बुलाया था कि आप आकर के देखिए कि जो काम हम कर रहे हैं वह काम हम कैसा कर रहे हैं, काम हमारा ठीक है या नहीं ठीक है। चूँकि ये हमारे चैनल के सब्सक्राइबर भी हैं, तो इन्होंने मुझे बुलाया था सिर्फ अपनी साइट देखने के लिए मुझे, कि आप आइए और हमारा काम देखिए, हमारे काम करने का तरीका देखिए, अगर हमारा सब कुछ सही है तो बताएं, या कहीं पर अगर हमसे कोई गलती गड़बड़ी हो रही है तो हमें गाइड करें। तो यह एक हिसाब से इन्होंने हमसे ओपिनियन मांगा था और हमको अपनी साइट पे बुलाया था। देखिए मेरे साथ में भाई हैं, वह पूरी साइट मुझे घूम करके दिखा रहे हैं कि कहाँ पर क्या है, कैसे है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैंने यह वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, और दोनों साइटों का मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, ताकि आप लोग
प्रॉपर्टी लेने जाते हैं और लेते हैं, मुझसे भी पूछते हैं, कई साइटों के बारे में पूछते हैं, तो जहाँ पर मैं विजिट नहीं किया रहता हूँ आप लोगों को नहीं बता पाता हूँ कि हाँ वह साइट कैसी है, यह साइट कैसी है। मैं यहाँ पर भी आपको ख़रीदने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ऐसी साइट होनी चाहिए या अगर आप लेना चाहते हैं जिस एरिया में यह साइट है और जहाँ पर ये साइट है वहाँ पर अगर आप लेना चाहते हैं, उस एरिया में प्लॉट प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, प्लॉट या मकान कुछ भी कर लेना चाहते हैं, तो आप इनके यहाँ विजिट कर सकते हैं। और इनका काम, इनका रेट, इनकी सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी लगें तो आप इनसे डील भी कर सकते हैं। मेरी तरफ़ से मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ जा कर के प्रॉपर्टी ख़रीदें। मार्केट में कोई अच्छी चीज़ है, कोई अच्छा काम कर रहा है और उसको अप्रिसिएट करना चाहिए, वह मैं कर रहा हूँ, यह मैं बिल्कुल नहीं यहाँ पर बता रहा हूँ कि आप यहाँ पर जाकर के प्रॉपर्टी ख़रीदें। मैं सिर्फ आपको ये दिखा रहा हूँ कि यह साइट है जिसको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों को भी अगर प्रॉपर्टी ख़रीदना है तो इनकी साइट पर ज़रूर विजिट करें और इनका काम करने का तरीका, इनका प्लान और इनका रेट, रेट भी इनका काफ़ी अट्रैक्टिव था, जिस रेट में ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं उस रेट में इस तरीके की कॉलोनी में प्रॉपर्टी मिलना असंभव काम है। रेट इनका बहुत कम था। अभी यह जैसे कि मुझे दिखा रहे हैं कि सामने यह खुला हुआ है, यहाँ से एक्सटेंशन है, पीछे का इनका पूरा पार्ट एक्सटेंशन है जिसकी ज़मीनें इन्होंने ख़रीद ली हैं, लेकिन अभी यहाँ पर बेच नहीं रहे हैं, बारिश के वजह से काम रुका हुआ था, पीछे मिट्टी का काम होना है। अभी मैं ले चल के आपको पीछे दिखाऊंगा, ये पुरानी वाली ही साइट है, दोनों साइट का वीडियो मिला करके मैंने इसमें डाला हुआ है। तो अभी हम पीछे की तरफ चलते हैं और वहाँ पर दिखाते हैं कि आगे क्या एक्सटेंशन है। यह जितने में बाउंड्री की हुई है इतना प्लॉट इनका पूरा बिका हुआ है। यहाँ पर ये सारे प्लॉट्स इनके सोल्ड आउट हैं, हो सकता है कोई एक आध प्लाट 1500 स्क्वायर फीट का बचा हुआ हो, 1000 स्क्वायर फीट के नीचे ये कोई प्लॉट नहीं बेचते हैं, कोई कटिंग नहीं करते हैं। मिनिमम अगर आपको इनसे लेना है तो 1000 स्क्वायर फीट लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये दिखा रहे हैं, सामने भट्ठे की चिमनी आपको दिख रही होगी, यह जितना एरिया है यह सब प्रॉपर्टी, यह सब ज़मीन इन्होंने रजिस्ट्री करा रखी है किसान से, और रजिस्ट्री कराने के बाद यहाँ पर काम भी इन्होंने शुरू किया। अभी जैसे देखिए ये पीछे पटरे पड़े हुए हैं और सामने आप देख सकते हैं बाउंड्री वॉल हो रहा है। तो जो भी इनकी प्रॉपर्टी है सबसे पहले ये काम क्या करते हैं कि जहाँ जहाँ तक इनकी प्रॉपर्टी है वहाँ पर पूरा ये पोजीशन खुद लेते हैं, पूरा अपना बाउंड्री वॉल बनाते हैं, चारों तरफ से पैक करते हैं। इधर का भी एरिया ये दिखा रहे हैं कि ये सब एरिया भी अपने में है, इधर भी अभी ये लेबलिंग करने के बाद में बाउंड्री वॉल करना है, और ये सामने जितना एरिया देख रहे हैं ये सब इनका एरिया है। और यहाँ पर आप देखेंगे, मैं थोड़ा जूम करके आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पर मिट्टी की सड़क बनी हुई है, यह आप देख सकते हैं बाउंड्री है, उसके पहले दो सड़कें मिट्टी की बनी हुई हैं। तो यह मिट्टी की सड़कें यह बनाए हैं कि इनका सामान जो बाउंड्री वॉल का है आने जाने में आसानी रहे, और बाद में यही सड़कें कंटिन्यू होंगी। और उसके पीछे वो बाउंड्री वॉल है, उधर से भी एक रास्ता इन्होंने दिया है, वहाँ पर भी खोल रखा है और ये बाउंड्री वॉल का काम चल रहा है। तो ये बाउंड्री वॉल करने के बाद में ये सड़कें बनाएंगे, पूरी तरीके से डेवलप करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर ये बुकिंग ओपन करेंगे, जब कस्टमर को यहाँ पर बुकिंग करके प्लॉट ख़रीदने के लिए उपलब्ध होगा। तो बुकिंग करने का इनका सिस्टम ये है कि आप आएँ और आपको अगर प्रॉपर्टी पसंद आती है, या दूसरी वाली साइड इनकी है, मैंने दोनों वीडियो मिक्स कर दिए हैं, या दूसरी वाली साइड इनकी है, दोनों आसपास ही हैं, यहाँ पर भी देखिए एंट्री गेट वगैरह बना हुआ है। तो इनका बुकिंग का सिस्टम ये है कि आप आएँ, प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी देखने के बाद अगर आपको प्रॉपर्टी पसंद आती है तो आप सेलेक्ट करें जो आपकी इच्छा हो, 10,000, 5,000, 2,000, जो आपकी इच्छा हो वो आप बयाना दे करके प्रॉपर्टी होल्ड करा लें और इनको एक डेट दे दें कि भाई इस डेट तक हम रजिस्ट्री करवा लेंगे। अगर आप कोई पैसा नहीं देना चाहते हैं तो भी ये हफ्ते दो हफ्ते के लिए आपके लिए प्रॉपर्टी होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सेल इनके यहाँ बहुत ज़्यादा है, डेली की कम से कम 5,000 से 7,000 स्क्वायर फीट की इनकी सेल है। आपने विजिट करके इनके यहाँ प्रॉपर्टी होल्ड कराई, आपने बयाना दे दिया, उसके बाद में आप आइए आराम से अपनी प्रॉपर्टी जो है, जो आपका प्लॉट है जो आपने पसंद किया है उस पर आप बाउंड्री करा लीजिए। बाउंड्री वॉल कराने के बाद में आप अपना नाम लिख लीजिए, अपना बोर्ड लगा दीजिए, जो भी आपको करना है वो
कब्ज़ा आपको ये पहले दे देंगे, आपने टोकन मनी डाली, बयाना दिया, ये आपको कब्ज़ा दे देंगे। कब्ज़ा लेने के बाद में आप रजिस्ट्री करवाने जाइए। रजिस्ट्री करवाने के पहले सारे बिल्डर आपसे सारा पेमेंट ले लेते हैं, उसमें भी बहुत ख़रीदार घबराते हैं कि भाई हमने पूरा पेमेंट कर दिया, कल रजिस्ट्री में कोई दिक्कत होगी या कोई समस्या ना हो जाए, डिले ना हो, या बाद में पैसा लेकर के बिल्डर रजिस्ट्री करने ना आए, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। जो पैसा आप देना चाहते हैं वो पैसा इनको दे दीजिए, उसके बाद में आप जाइए रजिस्ट्री करवाइए। रजिस्ट्री करवाने के बाद में आप सेम डे या अगले दिन जब आप कंफर्टेबल हों तब आकर के इनको इनका पैसा दे दीजिए, उसमें भी ये राजी हैं। इनको किसी भी तरीके का कोई भी पैसा लेने का या कस्टमर को चीट करने का या कस्टमर को फंसाने का या कस्टमर से किसी भी तरीके की उगाही करने का ये सब सिस्टम मैटर मुझे इनके यहाँ नहीं दिखा। मैंने काफ़ी देर इनके साथ में समय बिताया और इनकी पूरी टीम से मैं मिला, पूरी टीम मैंने देखी, इनका ऑफिस, इनका काम करने का तरीका, इनका बात करने का तरीका, लोगों को डील करने का तरीका, यह सब मैंने देखा अपनी आँखों से। और जो मुझे लेकर के गए थे जो लोग, सिर्फ वही मुझे जानते थे कि मैं कौन हूँ और कैसे आया हूँ। बाकी इनके जो ऑफिस में और सारे लोग थे उन सबसे मैं मिला और मैंने सबको देखा कि भाई कौन किस तरीके से डील कर रहा है, लोग कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो जो माहौल था ऑल ओवर वो बहुत अच्छा मुझे लगा। और इनके काम करने का तरीका, इनकी साइट, मेन तो इनकी साइट है, साइट मुझे बहुत अच्छी लगी, इनकी साइट्स की लोकेशन मुझे बहुत अच्छी लगी। तो यह सब जो है बहुत एक अच्छे बिल्डर की निशानी है। और अगर आपको कहीं पर प्रॉपर्टी लेना है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनकी जो साइट की लोकेशन है ये कानपुर रोड पर बंथरा मार्केट के पास में एक साइट इनकी है, जिसमें पूरा आपने देखा कि रोड वगैरह बन गए हैं, बाउंड्री वाल है, जिसमें मैंने बताया कि प्लॉट सोल्ड आउट है, अभी वहाँ पर एक्सटेंशन है। वो साइट इनकी बंथरा मार्केट के पास में है। और दूसरी साइट इनकी ये रनियापुर गांव के पास में है, जहाँ पर ये है किसान पथ, जहाँ पर उतर रहा है कानपुर रोड पर, उससे थोड़ी दूरी पर है, 2 किलोमीटर के लगभग आएगा रनियापुर मोड़। अगर आपने देखा होगा तो आगे चलेंगे, वहाँ पर महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बन रहा है और बाईं तरफ पे वहाँ पर एक फोरेंसिक डिपार्टमेंट का कुछ बड़ा सा कैंपस बना हुआ है, फोरेंसिक रिसर्च करके कुछ है, तो वहाँ पर भी बना हुआ है। लोगों का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर आने वाले समय में होने वाला है। और रेट की अगर बात करें तो इतने डेवलपमेंट के साथ में इनके यहाँ जो रेट है वो मात्र 1100 रुपये स्क्वायर फीट का इन्होंने रेट रखा है। रेट मुझे इनका काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इतने डेवलपमेंट के साथ में। तो अगर आप लखनऊ में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए साइट बहुत अच्छी है, एकदम आप आँख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आपको घर बनाना है, घर बना करके रहना है, तो भी आप इनके यहाँ जा सकते हैं। या फिर आप ये चाहते हैं कि मुझे अभी घर नहीं बनाना है, साल 2 साल के बाद बनाना है, तो भी आप इनके यहाँ जा सकते हैं। जो आप इनके यहाँ पैसा लगाएंगे वो साल से 2 साल में 1.5 गुना या 2 गुना हो जाना है। अच्छा, एक चीज़ मुझे इनकी और अच्छी लगी, इन्होंने कहा कि जैसे कि कस्टमर है, कस्टमर कहीं बाहर रहता है और कस्टमर ने वहाँ से पता किया, हमसे कांटेक्ट किया और कोई प्लॉट उन्होंने बुक किया, 10,000, 5,000, 20,000 कुछ भी उन्होंने बयाना दे दिया, और मौके पर बाद में वो आते हैं और उन्होंने देखा उनको साइट वगैरह नहीं पसंद आती है, तो विद इन सेकेंड हम उनका पैसा वापस कर देते हैं और पूरा पैसा वापस करते हैं, इसमें कोई भी इफ बट नहीं है, 1 रुपया भी नहीं कटता है। और जिस किसी भी कस्टमर ने रजिस्ट्री वगैरह करवा ली है, पोजीशन ले लिया है, उसको भी अगर साल 2 साल बाद तक ये लगता है कि हमने जो प्रॉपर्टी ली है वो गलत प्रॉपर्टी ली है, हम यहाँ पर फंस गए हैं, ये मेरे मतलब का नहीं है, या किसी तरीके की उनको समस्या हो रही है, तो वह उस समय भी उनको प्रॉपर्टी वापस कर सकते हैं, ये वापस रजिस्ट्री ले लेते हैं और आपका पैसा वापस दे देते हैं। अब पैसा आपको उतना ही देंगे या कुछ घटा बढ़ा कर देंगे ये तो मैंने नहीं उस समय उनसे बात की और ना मैंने पूछा, क्योंकि अधिकतर बिल्डर ये ऑप्शन नहीं देते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें अच्छी होने के बाद में ठीक नहीं था, तो वो मैंने नहीं पूछा। बाकी कोई ऐसा करता नहीं है, कोई रजिस्ट्री कराने के बाद में रजिस्ट्री वापस करने जाए, कोई कस्टमर भी नहीं चाहता है।
मेरा एक्सपीरियंस इनको लेकर के काफ़ी अच्छा रहा है, इनकी साइट को, इनके डेवलपमेंट को लेकर के, इनकी लोकेशन को लेकर के, इनकी प्राइसिंग को लेकर के, सब कुछ मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो मैं ये रेकमेंड करूँगा आप लोगों को, अगर आप कानपुर रोड साइड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इनको देख सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी इनको कॉन्टैक्ट करने के लिए आपको कमेंट करना होगा या इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्ट नंबर दे दूंगा इन लोगों का, आप इनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस फॉर्म में आप अपना नंबर छोड़ दें और बता दें तो आपसे ये लोग खुद संपर्क कर लेंगे। साइट विज़िट आपको ये करवा देंगे, पूरी तरीके से सारा कुछ दिखा देंगे। लेना ना लेना वो अलग मैटर है, बाकी अगर आप इन्वेस्टमेंट कहीं कर रहे हैं या कहीं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप इनकी साइट ज़रूर देखें। तो ये एक वीडियो था एक अच्छी साइट के बारे में, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, या कोई और साइट इस तरीके की आप देखना जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी बताएं, तो मैं कोशिश करूँगा वहाँ पर भी विजिट करके और पूरा ओवरव्यू देने की कोशिश करूँगा कि क्या है और कैसे है। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।